मनरेगा में सामग्री बिलों के भुगतान में गड़बड़ी करने वालों की जांच की पूर्ण। जांच के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा प्रस्ताव। भिंड जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनीता शर्मा अटेर से राजधर पटेल एवं रोन से अरुण कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित। इसके अलावा लेखा अधिकारी मनरेगा अटेर राजेंद्र भदौरिया निलंबित। सहायक लेखा अधिकारी मनरेगा जनपद भिंड चित्रा शिवहरे की संविदा सेवा समाप्त। मार्च 2023 में किए गए थे सामग्री बिलों के नियम विरुद्ध भुगतान। अटेर जनपद अध्यक्ष के पुत्र और विधायक प्रतिनिधि विकास शर्मा ने अटेर और भिंड जनपद अध्यक्ष सरोज बघेल और जनपद उपाध्यक्ष शिवा शंकर भदौरिया ने की थी शिकायत। जनपद अटेर में भुगतान संबंधी आपने शिकायत की थी, जो नियम विरुद्ध भुगतान हो गए थे, क्या मामला है? ये मेरे द्वारा जनपद की जो मनरेगा सामग्री के भुगतान में जो अनियमितताएँ पाई गई थी, मुझे शिकायतें मिली थी, उस शिकायत के आधार पर मैंने भिंड कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजा था। उस पत्र के आधार पर एक 3 सदस्यीय जांच दल द्वारा इसकी जांच की गई और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब को प्रस्ताव भेजा है और मुझे उम्मीद है कि इन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद सीईओ और कुछ लेखा अधिकारियों सर हटाया गया है सर, मनरेगा में काफ़ी गड़बड़ी थी, क्या मामला है सर पूरा? ये मनरेगा में अनियमितताएं की शिकायत आने पर हमने जांच कराई थी, क्योंकि 60-40 का रेशो मेंटेन करना जरूरी है मनरेगा में। जब हमें पता चला कि 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं किया गया तो हमने प्रारंभिक तौर पर शोकाज नोटिस दिया 3 CO और 2 EO को। उसके बाद उनका जवाब प्राप्त हुआ, जवाब के साथ साथ ही हमने उनका भौतिक सत्यापन कराया काम का, उसे पाया गया कि कई जगह अनियमितताएँ मिली हमें। फलस्वरूप हमने 3 CO के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय आयुक्त महोदय को भेजा है और लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी भिंड उसको सेवा से पृथक कर दिया है और सहायक लेखा अधिकारी अटे उसको निलंबित कर दिया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई हमारे द्वारा की। सर इसमें कोई वसूली वगैरह भी होना है? ऐसा कुछ मूल्यांकन चल रहा है, मूल्यांकन की कार्रवाई चल रही है, मूल्यांकन में भी वो निर्धारित राशि से ज़्यादा अगर उन्होंने भुगतान किया है, वैसे तो सब खातों पर होल्ड किया हमने तो अधिक व्यय होने का सवाल ही नहीं उठता, तो मूल्यांकन के आधार पर फिर आगामी वसूली संबंधी कार्रवाई की जाएगी।